हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत हमारे नए ब्लॉग में। सबसे पहले गुड इवनिंग आप सभी को। अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं, तो आज हम आ गए हैं गंगा साइड। आज थोड़ी बारिश हुई, तो बारिश से थोड़ा राहत मिला, क्योंकि इतने दिन से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और आज मौसम आप देख ही सकते हैं, हमारे चारों तरफ गंगा जी का जलस्तर जो है निरंतर बढ़ ही रहा है। तो चलिए बैक कैमरा करके दिखाते हैं आप सभी को। ये देखिए मौसम, बारिश के बाद का ये मौसम है। उधर एक घोड़ा जो है चल रहा है। बजड़ी कितनी हरी भरी दिख रही है, आसमान में काले काले बादल हैं, और गंगा जी का पानी निरंतर देखिए बढ़ ही रहा है। उस पिलर तक, खंभे तक जो है पानी आ चुका है। फील्ड अभी उतनी ज़्यादा भरी नहीं है, बच्चे आए हुए नहीं हैं। तो देखिए हमारे साथ नीतीश और अजय भाई हैं, ये दोनों साथ में ही हैं, हम लोग तीनों साथ में हैं। और शाम के समय आ गए हैं थोड़ा घूमने, ठंडा ठंडा हवा देखने। तीन भैंसे इस समय पानी का आनंद उठा रही हैं, तैर रही हैं। पानी भर गया यहां तक। अब हम लोग चलेंगे नागवासुकी मंदिर। मौसम इस समय काफी बन चुका है बारिश का। देखिए जानवर पूरा अस्थाई शिविर में रह रहे हैं। बारिश तो भाई बहुत गंभीर होगी। इधर देखिए सारी जलकुंभी इकट्ठा हुई, खंभा पूरी तरह से डूब चुका है इसमें। उधर कुछ लोग मछली मार रहे हैं। हम लोग आगे आगे चल रहे हैं, बारिश पीछे पीछे से आ रही है घेरते हुए, और ऐसा लग रहा है पहुंचने से पहले बारिश हम लोगों को भिगो देगी। मस्त भी पीछे आ रहा, क्योंकि बादल एकदम घने हैं और इसमें बारिश तो होगी काफी तेज। बारिश के डर से एक बंदा भाग गया हम लोगों को छोड़ करके। हम लोग चलेंगे बाद पर, बाद से फिर देखेंगे नागवासुकी जाने के लिए। मौसम बहुत मस्त है।
अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। मस्त भाई भी आ रहा है, बहुत घने बादल हो चुके, पीछे देखिए हवा थोड़ी थोड़ी चले क्योंकि ऐसे में भी थोड़ी बारिश हुई तो ऐसे थोड़ा उमस है और लगभग एक हफ्ते बाद यहाँ प्रयागराज में बारिश हुई, वो भी उतना खास नहीं हुई, थोड़ी बारिश हुई इस वजह से उमस है। अगर एक आध दो घंटे कंटिन्यू बारिश हुई होती इतना उमस नहीं रहता बारिश के बाद। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बांध पर। बांध पर देखिए लोगों का जमावड़ा, उधर कुछ कार भी चल रहा है बांध का, ताकि बाढ़ आने से पहले उसको ठीक कर लिया जाए। बहन मस्त व्यू आ रहा है। ये देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काफी हरा भरा हो गया है, इधर से मौसम का व्यू काफी अच्छा लग रहा है। और उधर से बारिश लगातार हम लोगों की तरफ बढ़ रही है, बहुत तेज बारिश। लोग आनंद उठाने के लिए आ गए हैं इस बात पे टहलने के लिए। हवा काफी तेज चल रही है, उधर देखिए व्यू, इधर पूरे हरे भरे पेड़ पौधे। ये पूरी कतार देखे नागवास की जाती हुई, ठंडे ठंडे मौसम का आनंद लेते हुए जा रहे हैं सब लोग। अरे चला, अब देखिए व्यू भाई, मस्त एकदम ठंडा। इधर आजे देखा, आजे भाई टोपी लगा के मुस्कुरा रहे हैं। अब हम लोग पहुंच गए दरिया के किनारे। ये रही अपनी गंगा नदी, नौकाएं धीरे धीरे किनारे लग रही हैं, बहुत सारी नौकाएं इस समय बीच में भी हैं गंगा जी की। उधर देखिए आज चमक रहा है बहुत तेज। तरंग देखिए गंगा जी का कितना तेज हो रहा है वेव सुन के, और नौका देखिए किस प्रकार से हिल रही हैं। ये इधर जो किनारे लग गई हैं, बाकी जलकुंभी वगैरह देखिए बहुत, आज तो बारिश होगी अच्छी खासी। ये देखिए नौका ये लोग ले जा रहे हैं उस पार, लेकिन जलकुंभी की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, इतनी ज्यादा जलकुंभी है यहाँ। तरंग देखिए
उद्धत और खींच लेगी, उद्धत और खींच लेगी। अब पर भी बारिश की बूंदाबांदी पड़ रही है। इधर देखिए गंगा जी की लहरें काफी तेज गति से चल रही हैं, मस्त व्यू आ रहा है। बादलों में थंडरिंग भी हो रहा है। ये देखिए गंगा जी की लहरें काफी तेज गति से चल रही हैं। इधर अजय भाई फोटो क्लिक कर रहे हैं नीतीश की। ऐसा बस ये रहना गोस्वामी जी का मंदिर। लड़ाई बिकन मस्त बन गई सेल्फी पॉइंट यहाँ की।